उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, यह इस घटना से साफ पता चलता है, जहां सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच तीन बदमाशों ने तमंचे की नोक पर पति पत्नी को बंधक बनाकर घर में लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना की बात सुनते ही मौके पर SP हापुड़ व कोतवाली पुलिस पहुंची और जाँच में जुट गई और लूट की इस घटना के जल्द खुलासे की बात कर रही है। मेरा नाम कमल कुमार अग्रवाल है। मैं दुकान पे गया मेरे 7:30 8 बजे करीब। दो लड़के आए गुटखा मांगने के लिए। मैं जब तक उनको गुटखा दे रहा था, उन्होंने आके मेरे को पकड़ लिया, मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मेरे को फैंस के अंदर की तरफ ले आए। मैंने थोड़ा सा मुंह खोला तो आवाज़ लगाई तो ऊपर से गई जो उनको जीने में से नीचे खींच के खूब मारा इनको भी और मेरे को भी। आपको बता दें, आज सुबह सिटी कोतवाली क्षेत्र के प्रीत विहार इलाके में प्रमोद अग्रवाल की परचून की दुकान पर एक युवक ग्राहक बनकर आया और प्रमोद अग्रवाल से एक गुटखा मांगा। तभी उसके दो और साथी आए जिन्होंने तमंचे की नोक पर प्रमोद अग्रवाल और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया और घर में घुस गए। पीड़ित की पत्नी की माने तो बदमाशों ने 40,000 नकद और लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कर मौके से फरार हो गए। सुबह ये दुकान खोलने गए, फिर वो गुटखा लेने आए, फिर इनको धक्का दे के अंदर कर लिया और इनके साथ मारपीट करी। आवाज़ सुन के मैं गई, मुझे जीने में से धक्का दे के गिर दिया और मुझे मारने लग गए। फिर एक आदमी नीचे तमंचा ले गए, हमारे पे खड़े हो गए, दो आदमी ऊपर आए, सब कुछ ले गए। 40,000 रुपये कैश था और दो सेट थे गोल्ड होगा 50-60 लाख। बदमाशों के जाते ही पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दिन दहाड़े हुई लूट की घटना के बाद हापुड़ SP सहित कोतवाल पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। तो वहीं पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। हालांकि दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद जहां पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है, तो वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हापुड़ नगर थाना क्षेत्र में प्रीति विहार एक कॉलोनी है, जिसमें कमल अग्रवाल जी की परचून की दुकान है। आज सुबह लगभग 7:45 बजे एक व्यक्ति गुटखा लेने के बहाने आया वहाँ पे और उसके पीछे दो उसके साथी आए। तीनों ने मिल के घर में लूट की है। अभी वो पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा व अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। दो टीमें इसमें लगा दी गई हैं। हम घटना का शीघ्र अनावरण करेंगे। थैंक यू।